right now to Narayanpura constituency, where the booth there where Amit Shah, the Home Minister, casting his vote. It's in Ahmedabad, it's in the urban pocket. My colleague Milan is standing by. Over to you, Milan. Amit Shah ji ke nare lagate hue aap dekh rahe hain hamare saath ki log yahan par Amit Shah se milne ke liye pahunche hain. Bahar se Amit Shah ne yahan tak chalne ka nirnay liya hai. Yahan par local candidate ke saath dikhai de rahe hain. Amit Shah Narayanpura pahunche hain वोटिंग करने के लिए. यहाँ की जो सीट है वो मानी जाती है कि बीजेपी की प्राइम सीट मानी जाती है और इसी वजह से यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री खुद पहुँचे हैं. वोटिंग बूथ पर आपको चलते हुए दिखाई दे देंगे. गाड़ी उन्होंने बाहर ही छोड़ दी और सिक्योरिटी कॉर्डन इनके आसपास दिखाई दे रहा होगा आपको और साथ ही में उनकी पत्नी भी दिखाई दे रही हैं. यहाँ पर उनके बेटे जय शाह भी उनके साथ मौजूद हैं. पूरा परिवार अमित शाह इस वक्त वोटिंग स्टेशन पर पहुँच गए हैं और भारी भीड़ में यहाँ पर मतदान डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं पूरे परिवार के साथ. आप देख रहे हैं बगल में उनकी वाइफ और साथ में बेटा बेटी के साथ जय शाह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे पोलिंग स्टेशन के आसपास. और लोगों की काफी भीड़ भी है अमित शाह को देखने के लिए. यहाँ पर सिक्योरिटी कॉर्डन के साथ अंदर जाते हुए इस वक्त निर्धारित समय पर यहाँ पर आने वाले थे और निर्धारित समय से पोलिंग स्टेशन पर पहुँच गए हैं और अंदर जाते हुए आपको इस वक्त अमित शाह दिखाई दे रहे होंगे पूरे परिवार के साथ. वो इस वक्त अंदर पोलिंग स्टेशन पे चले गए हैं. साथ ही में उनकी पत्नी भी जय शाह, उनके बच्चे और एक साथ पूरा परिवार यहाँ पर नारायणपुरा सीट पर पहुँचा है. लोकल कैंडिडेट भी उनके साथ ही पहुँचे हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो गृह मंत्री की सिक्योरिटी है और जिस तरीके से पूरे एरिया को इस वक्त सैनिटाइज किया गया है गृह मंत्री के आने के लिए, आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर पर्सनल और जो सरकारी सिक्योरिटी कर्मचारी है, गुजरात पुलिस है, पूरी तरीके से तैनात है. अमित शाह इस वक्त अंदर वोट देते हुए और बाहर ही पूरे परिवार ने गाड़ी छोड़ दी थी. पोलिंग स्टेशन से कुछ मीटर दूर ही यहां पर तक चलकर आए हैं और परिवार के साथ यहां पर अब इस वक्त मतदान करते दिखाई दे रहे हैं अमित शाह. नारायणपुरा की ये सीट है, यहां से इनका रजिस्टर्ड वोट है और भाजपा का गढ़ रहा है एक तरीके से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट करने के बाद यहां पर पहुंचे हैं और दृश्यों में आपको अभी दिखाते चले कि यहां पर भारी तादाद में जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर ही तैनात है, मौजूद है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अमित शाह खुद चलकर कुछ मीटर दूर से यहां तक पहुंचे अपने परिवार के साथ. उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे जय शाह भी उनके साथ ही थे और अब थोड़ी ही देर में वोटिंग करने के बाद वो यहां से बाहर आएंगे और देखना ये होगा कि क्या वो बात करना चाहेंगे मीडिया कर्मियों से. यहाँ पर सब बाहर ही मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के और ये सीट अहमदाबाद की अन्य सीटों की तरह बेहद दिलचस्प और बहुत ही जरूरी भाजपा के लिए. यहाँ से पिछली बारी भी भाजपा ही जीती थी लेकिन इस बार कैंडिडेट बदला गया था. पाटीदार की जो चुनौतियां हैं यहाँ पर तीनों कैंडिडेट इस बारी पाटीदार कैंडिडेट हैं और लगातार हम देख रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सीट अमित शाह की जो वोटिंग रजिस्ट्रेशन है वो यहीं पर होती है और तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त अमित शाह के साथ जो आए थे बाहर अमित शाह के नाम के भी नारे लगे, भाजपा के नाम के नारे लगे और यहाँ तक सारे लोगों को आने नहीं दिया गया लेकिन कुछ सिक्योरिटी के लोग, कुछ पार्टी के लोग यहाँ पर अमित शाह के साथ इस वक्त पहुँचे हैं. कैमरा पर्सन रविकांत के साथ नारायणपुरा से मिलन शर्मा आज तक. वोटिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं. There you have it. That's Narayanpura constituency where the entire family of Amit Shah, you can see Jay Shah, you can see his wife, you can see his son's wife, Jay Shah's wife and his own wife
Sonal Shah, all of them coming out and voting. This is, viewers, the constituency of Narayanpura, considered to be a very, very strong seat of the Bharatiya Janata Party. And when I say strong, I'll give you an example. In 2017, Kaushik Bhai Jamna Das Patel of the BJP won this seat with a margin of 66,000 votes. So 66,215 votes is what the BJP won this seat from. Extremely urbanized, called a bastion of the BJP, traditionally very, very strong when it comes down to the BJP. This time around, in terms of the candidates, Pankaj Patel from the Aam Aadmi Party, Sonal Ben Patel from the Congress Party, now facing off with Jitendra Bhai Patel from the Bharatiya Janata Party. What is interesting here is, even though in 2017, Kaushik Bhai Patel won the seat from 66,000, the BJP has chosen to go with a new face. You know, what could be the permutations or combinations of that, Rahul? You know, the sheer fact that in 2017, the candidate of the BJP won this particular seat of Narayanpura with a margin of over 66,000 votes. This time around, he's not been repeated. You see, that's what the BJP has done this time, that it has, if it has found that there is any amount of anti-incumbency, you know, we may think that it is not so, but you see, Ellis Bridge and adjoining areas is one of the areas which the BJP dominates. And there were a lot of complaints against the sitting MLA, and that's why the BJP wanted, and also what it wanted to do was change the caste equations. And that is why the candidate in this area was changed. Ghat Lodia. Interesting seat, because I don't know whether we have heard what Anandi Bain said. Right. That's one seat which was won with a huge margin. At the BJP. 1.17 lakh votes, I think, because Bhupen Patel was contesting from there. You know, what's interesting is, Rahul, what you talk about Ghat Lodia, which with that I'm going to take our viewers through the key candidates which are in the fray in the second phase of election. We're going to take that through, but let's quickly listen in to Amit Shah speaking to the press after casting his vote alongside his family. देखिए अमित शाह इस वक्त अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ से निकल रहे हैं इस वक्त वोटिंग करके. आप देख रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर भारी भीड़ और जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अमित भाई यहाँ पर आपको भीड़ में दिखाई दे रहे होंगे. हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें, अगर वो आगे जाकर बात करना चाहते होंगे तो, और वोट करने के बाद तुरंत यहाँ से अमित शाह बाहर जाते हुए आप देख रहे हैं कि सीधा वोट करने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हुए अमित शाह और लोगों से मुलाकात करते हुए, बात करते हुए यहाँ पर अमित शाह जो यहाँ पर से निकलते हुए आप देख रहे हैं इनको. इस वक्त भी भारी सिक्योरिटी का कॉर्डन है अमित शाह जी के आसपास. उनके साथ उनके पुत्र जय शाह भी हैं, परिवार के सारे लोग पहुंचे हैं. सर, सर वोट कर चुके हैं, सर वोट दिखा दीजिए, सर वोट कर चुके हैं, वोट दिखा दीजिए. एक तरीके से यहाँ पर अपील करते हुए लोगों को कि और वोट करें और मतदान करें. गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे हैं.